पेटीएम पोस्टपेड का जो भी लिमिट है उन पैसे को बैंक में लेने के लिए मैं तीन ट्रिक बताऊंगा, और तीनों ट्रिक सबके लिए है। तीनों ट्रिक में आपको हर अलग अलग प्रोसेस में कैसे पैसे भेजना है सारा डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरा जो पेटीएम है, पेटीएम को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। आपको पेटीएम जो भी है उसको अपडेट करके रखना है। देखिए मेरा जो पेटीएम अकाउंट है उसमें दो अकाउंट है, मर्चेंट अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट है, मैं आगे भी बता दूंगा। अभी पेटीएम पोस्टपेड को आ जाते हैं। आपका जो भी लिमिट मिला होगा 500 से स्टार्टिंग होता है, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 तक भी रहता है। देखिए मुझे जो बैलेंस अभी मेरा जो 2000 का लिमिट है, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इसलिए मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा लो है। यहाँ देखिए अवेलेबल लिमिट जो है मेरा दिखा रहा है 2000 का लिमिट है। मैं इससे 1800 लिमिट यूज़ कर चुका हूँ, बाकी देखिए 200 का लिमिट है। अभी इसको लेने के लिए आपको तीन ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले देखिए आपको पेरेंट और जो ऑप्शन रहता है क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं उसका ऑप्शन में जाना है। ऐड ऑप्शन में देखिए आपको बैंक डिटेल्स डालना है, जो भी आपका खुद का नहीं होगा, दूसरे किसी का, फ्रेंड का या घर के किसी का भी आपका बैंक डिटेल्स डालना है। डिटेल्स का UPI ID भी, फ़ोन UPI ID भी चलेगा, फ़ोनपे गूगल पे सब चलेगा। UPI ID डाल देना है, जो भी डिटेल्स अच्छा लगे। UPI अच्छा रहता है, आपको कम अकाउंट नंबर बहुत कम रहता है। देखिए यहाँ पर अमाउंट डालेंगे उसी पर जो ऐड किया हो, मैं ऑलरेडी ऐड है। देखिए यहाँ पर 200 रुपीज़ में लेने जाता हूँ, जितना लिमिट आपका होगा उतने का अंदर लेने सकते हो। देखिए लेकिन लेने के लिए यहाँ ऑप्शन क्या दिखा रहा है आपको, जो मिनिमम 2000 से 50000 के अंदर ले सकते हो, मिनिमम छोटा अमाउंट नहीं ले सकते, ठीक है। अभी देखिए मान लो कि मेरा 2000 का लिमिट है लेकिन 2000 यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि उसमें चार्जेस लगेगा, 24 रुपीज़ चार्ज लगेगा। मेरा 2000 का लिमिट है, 2000 लेना चाहता हूँ तो 24 रुपीज़ कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। अभी आपका जब 6000, 7000, 20000 जो भी है रेंट पेमेंट करके ले सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। किसी दूसरे अकाउंट को लेना है, खुद का अकाउंट में नहीं होगा, और उससे आप ले सकते हो। ये तो पहला ट्रिक हो गया। देखिए दूसरे ट्रिक में जाते हैं। ये ट्रिक जब आपका यूज़ नहीं करना है तो आपका लिमिट कम है, तो दूसरे ट्रिक में जाते हैं। देखिए मैं भी लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा वो दूसरे ट्रिक वर्क है। देखिए मेरा दो अकाउंट है, पर्सनल एक मर्चेंट, मेरा दुकानदार का एक मर्चेंट अकाउंट है, आपका खुद का नहीं है, दूसरे किसी का, फ्रेंड का या दूसरे मर्चेंट अकाउंट को जाने का। हाँ देखिए मर्चेंट अकाउंट इस तरह होगा, फोटो के साथ आपका जो भी QR कोड होगा, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, मर्चेंट अकाउंट जो दुकानदार के साथ लिंक होता है उसमें आपको स्कैन करना है, ठीक है। और अभी देखिए जिस पेटीएम पोस्टपेड से पैसा लेना चाहते हो उसी वो स्कैनर में QR कोड को स्कैन करना है, ठीक है। आपके फ़ोन से जो भी लिमिट है वहाँ स्कैन करेंगे, यहाँ अवेलेबल दिखाएगा। देखिए मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, अभी स्कैन किया है मैंने, जिस फ़ोन से मैं लेना चाहता हूँ जो भी पेटीएम पोस्टपेड है, पेटीएम को ओपन करना है। QR कोड में आपको इसी मर्चेंट अकाउंट का स्कैनर को आपको स्कैन करना है। जैसे स्कैन करेंगे देखिए यहाँ पर आपका दुकान का जो भी नाम होगा अवेलेबल दिखाएगा, और अमाउंट भी यहाँ पर जितना डालोगे उतना आपको भेज सकते हो, ठीक है। आपका लिमिट जितना होगा उसके अंदर आप भेजना है। हैं देखिए अमाउंट आ चुका है, अभी मैं अमाउंट यहाँ डालता हूँ 100 रुपीज़, ठीक है। अब मेरा अभी 200 का बैलेंस अवेलेबल लिमिट है, मैं 100 डालूंगा। देखिए पेटीएम पोस्टपेड ऊपर सवा ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। आपका जो भी लिमिट होगा यहाँ दिखाएगा, मेरा भी जो भी अवेलेबल बैलेंस है उतना दिखा रहा है। अभी जब मैं यहाँ पर 300 डालूंगा तो नहीं दिखाएगा क्योंकि बैलेंस के अंदर ही आपको ये ऑप्शन शो करेगा। 100 रुपीज़ सक्सेसफुली हो गया, पेमेंट चलाया जा चुका है। अभी जाने के बाद देखिए मेरा खुद का मर्चेंट है, मैं उसको सेटलमेंट ना करूँगा। अभी चले जाते हैं, देखिए यहाँ 100 रुपीज़ पेमेंट रिसीव हो चुका है, दूसरे फ़ोन में मैसेज देखिए। अभी आ जाते हैं होम पेज में, आना है होम पेज, आना है थ्री डॉट में आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट में जैसे क्लिक करेंगे दो पेज खुलेगा, मर्चेंट है और नॉर्मल है। मर्चेंट को जाना है, जाने के बाद पेमेंट सेटिंग में जाएंगे। पेमेंट सेटिंग में जाने का देखिए यहाँ पर देखिए 1:18 में आज का डेट है, 100 रुपीज़ रिसीव हो चुका है। देखिए सेटलमेंट करने के लिए क्या रूल्स है, ये ऑटोमेटिक कल सेटलमेंट मिलेगी। जब 100 रुपीज़ का आप ज़्यादा करते हो तो सेटलमेंट नाउ मिलेगी, अब 10 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपीज़ तक करते हो तो कल मिलेगा ऑटोमेटिक सेटलमेंट, ठीक है। ये जो अभी 100 रुपीज़ के ज़्यादा करोगे सेटलमेंट नाउ में क्लिक करना है, तुरंत ही मिल जाएगा आपको। देखिए जो भी बैंक उसमें रजिस्टर्ड होगा उसी बैंक में आपको सेटलमेंट हो जाएगा। देखिए सेटलमेंट का चार्जेस थोड़ा लगेगा, पहले चार्ज नहीं लग रहा था, अभी देखिए 1.77 रुपीज़ चार्ज लगना शुरू कर दिया है। पहले 0% में ले सकते थे, अभी चार्जेस लगना चालू कर दिया। 100 रुपीज़ में 1.77 रुपीज़ चार्ज लगेगा, ठीक है। 98 रुपीज़ 23 पैसे अकाउंट में मिलेगी, तो सेटलमेंट नाउ में आपको एग्री करते हो सेटलमेंट नाउ में क्लिक करना है। जैसे सेटलमेंट नाउ में क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से प्रोसेसिंग होगा। देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, कभी कभी नेटवर्क थोड़ा स्लो रहता है, कभी नेटवर्क स्लो रहने की वजह से आपको कुछ भी बैक नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ऑटोमेटिक जो भी आपका पैसा होगा जिस बैंक रजिस्टर्ड होगा उसी बैंक में जाएगा,
जाने के बाद देखिए पेटीएम कहीं नहीं दिखाएगा, आपको नेट बैंकिंग होना चाहिए। जिस बैंक आप रजिस्टर्ड किए हो उसका नेट बैंकिंग में ओपन करके दिखाओगे, ठीक है। यहाँ जब पेटीएम में दिखाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ पैसे रिसीव हुआ, आपका अमाउंट खाली प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए सेटलमेंट जीरो हो चुका है, ना हो चुका है। अभी देखिए मैं नेट बैंकिंग मेरा जो है SBI का, जो भी बैंक था आपका, जो भी बैंक होगा उसी नेट बैंकिंग आपको खोलना है, वहीं पे दिखाएगा आपका प्लस जो भी अमाउंट जो है ऐड हुआ कि नहीं हुआ। देखिए नेट बैंकिंग ओपन कर देता हूँ, जो भी अकाउंट होगा उसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने का देखिए एम पिन डाल देना है, एम पिन डालने के बाद आपको अकाउंट में डिटेल्स में आ जाएगा। यहाँ देखिए अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे बैलेंस यहाँ दिखाएगा, देखिए मेरा है 100 रुपीज़, इसको क्लिक करना है। यहाँ देखिए 98 रुपीज़ 23%, 19 फरवरी को मेरा पेटीएम की तरफ से मिल चुका है, ठीक है। ये पैसे जो है इंस्टेंटली मिल जाएगा, लेकिन 100 से ऊपर रखना है तभी जाके अपने अकाउंट में मिल सकते हैं। ये तो दूसरा ट्रिक हो गया। तीसरा ट्रिक जो है देखिए आपको क्या करना है, उसी मर्चेंट अकाउंट में आना है। आपको मर्चेंट अकाउंट होगा तो तीसरा ट्रिक यूज़ कर सकते हो। अभी देखिए 3 डॉट में आ जाना है, पेटीएम पोस्ट पेड ओपन कर देता हूँ। देखिए अभी लिमिट जो है 100 रुपीज़ है, 200 से 100 कट चुका है। मर्चेंट अकाउंट में आना है, देखिए यहाँ पर जो फोटो आएगा उसके नीचे आएंगे, देखिए पेमेंट लिंक, उसमें आपको क्लिक करना है। पेमेंट लिंक में देखिए अमाउंट जितना लेना चाहते हो, जितना आपका अमाउंट होगा पेटीएम में, मैं 10 रुपीज़ दिखाता हूँ, मेरी बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो, गिफ्ट लिख सकते हो, फ्रेंड का जो भी नाम होगा जिसका लिखना है लिखना है, प्रोसेस नाम में क्लिक करना है। यहाँ देखिए थोड़ा सा वेट करना है, देखिए इस तरह से आपका गिफ्ट जो भी है वाउचर बन जाएगा, मतलब पेमेंट लिंक बन जाएगा। देखिए यहाँ जो लिखा है 10 रुपीज़, मैं पहले भी कर चुका हूँ 10 रुपीज़, हाँ 1000 रुपीज़, ठीक है। अभी वो 10 रुपीज़ में आपको क्लिक करना है, वो लिंक को आपको कॉपी कर सकते हो या किसी को भी सेंड कर सकते हो, सेंड करने में इजी रहता है। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ, मान लो कि ये 10 रुपीज़ मुझे अभी मैंने जो बनाया था गिफ्ट का, अभी उसको लेना है। देखिए कॉपी लिंक करोगे तो दूसरे फ़ोन में जाकर फिर से ओपन करना है, आप शेयर लिंक करना है, वो बहुत ही ईजी रहता है। आपको शेयर लिंक भी क्लिक करना है, व्हाट्सएप में आपको सेंड करना है। किसी को सेंड करना है, आपका किसी का फ्रेंड या किसी को आप दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो या घर का किसी का भी है, उसको सेंड कर देंगे। देखिए मेरा खुद का दूसरा नंबर है, सेंड किया। सेंड जैसे करते हो अभी उसी लिंक को उसी फ़ोन में खोलना है जिस फ़ोन से आपको पैसे पेटीएम पोस्ट पेड का पैसे लेना है, तो उसी लिंक में क्लिक करना है। अभी ब्राउज़र में जाएंगे, क्रोम ब्राउज़र जो भी ब्राउज़र आपको यूज़ करते हो उसमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक पेटीएम ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बैलेंस दिखा रहा है, 10 रुपीज़ देना है अकाउंट में। अभी यहाँ देखिए आपको इसे कंटिन्यू करना है, आपका जो भी पेटीएम पोस्टपेड का जो भी लिमिट होगा यहाँ तुरंत दिखाएगा, ये बहुत इजी रहता है। कॉपी लिंक भूल जाओ, ये इसमें सेंड करके यूज़ कर सकते हो। अभी देखिए पे नाउ में क्लिक करूँगा, 10 रुपीज़ मेरे जो मर्चेंट अकाउंट है इजीली पेमेंट लिंक जिसने भी किया होगा उसको पैसे मिल जाएगा। ये देखिए पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में जा रहा है, अभी सक्सेसफुली हो जाएगा 10 रुपीज़, ठीक है। ये देखिए पेमेंट जो है सक्सेसफुली मिल चुका है। अभी मैं मर्चेंट अकाउंट दिखाऊंगा, वहाँ 10 रुपीज़ मेरा इंस्टेंटली ऐड हो चुका है, लेकिन 10 रुपीज़ सेटलमेंट नहीं होगा। आपको 100 रुपीज़ के ऊपर में बताया था कि 100 रुपीज़ के ऊपर होगा तो, यहाँ देखिए 10 रुपीज़ आ चुका है, लेकिन 100 रुपीज़ के ऊपर होगा तो सेटलमेंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, ये जो है 10 रुपीज़ कल मिलेगी। आपको ध्यान रखना है 100 रुपीज़ को ऊपर करेंगे तो तुरंत ही सेटलमेंट ना होकर के बैंक में अकाउंट में पैसे ले सकते हो। मुझे 10 रुपीज़ क्या, ये कल मुझे 10 बजे के बाद ही पैसे मेरे अकाउंट में मिलेगी, 9 रुपये 82 पैसे। तीनों ट्रिक आपको दिखा दिया, पेटीएम पोस्टपेड के लिमिट को कैसे लेना है अपने बैंक अकाउंट में, तीनों ट्रिक आप जैसे तरीके से आप ले सकते हो आपका मर्जी, लेकिन सबको 100% वर्किंग है। यहाँ देखिए पेटीएम मेरा जो अभी लिमिट है देखिए 90 रुपीज़ हो चुका है। अभी हिस्ट्री में दिखा देता हूँ, पहले 100 रुपीज़ लिया, उसके बाद 10 रुपीज़ लिया गिफ्ट वाउचर करके। जब ज़्यादा आपका अमाउंट है तो पहला ट्रिक यूज़ कर सकते हो, पे रेंट में करके 24 बहुत ही कम चार्ज लगेगा, इजीली ले सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।